आज हम लोग बहुत ही एक खास टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पीसीपी टीएमए और क्रेडिट से रिलेटेड है, या क्रेडिट से रिलेटेड या जो है प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है। क्या है इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास, आप सभी को हमारे डिजिटल क्लास में स्वागत करते हैं। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से भी जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईएस से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है कि आपके डिजिटल क्लास में हर तरह का कोर्स को कंप्लीट करने का तैयारी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या जानकारी, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या रखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पाठ्यक्रम संरचना एवं कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी है, यानी कि क्या आपका पाठ्यक्रम के क्या स्ट्रक्चर होगा और कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ होगा, फर्स्ट ईयर क्या क्या चीज़ होगा, इसी के विषय में हम लोग डिटेल यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या डिटेल रखा हुआ। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखा है, यहाँ पाठ्यक्रम कोड एवं पाठ्यक्रम लिखा हुआ, यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ, यहाँ पर योग सैद्धांतिक और प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या चीज़ का नंबर दिया गया, इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर यदि जैसे कि आपको पता है कि 501, 502 और 503 जो होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपका 504, 505 जो होगा आपका सेकंड सेमेस्टर में आपका स्टार्ट होगा, यानी कि टोटल प्रथम ईयर्स जो है 501 से लेकर 505 तक आपको रीड करना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्रेडिट का बात कहते हैं तो क्रेडिट यदि 501 में आपको पता होगा भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में दिया गया है। इसमें जो है अगर बात करते हैं क्रेडिट के लिए तो 3 क्रेडिट होगा और एक प्रायोगी होगा यानी कि प्रैक्टिकली होगा। तो यहाँ पर जो है एक नंबर यहाँ पर दिया जाए, यानी कि 4 टोटल आपको क्रेडिट लाना पड़ेगा। यदि 502 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 502 का जो सब्जेक्ट था इसका नाम था प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा संस्कृति शास्त्रीय प्रक्रियाएं। इसमें जो था टोटल क्रेडिट 6 क्रेडिट और प्लस 2 आपको लाना था, यानी कि टोटल 8 क्रेडिट। और 503 के बारे में अगर बात करते हैं इसका नाम था प्रारंभिक स्तर पर भाषा का अधिगम। इसमें जो 3 क्रेडिट लाना प्लस 1 जो है प्रायोगिक में आएगा, टोटल जो है 4 आपका आएगा। तो ये जो 3 जो आपको पढ़ना है ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। यदि हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो सेकेंड सेमेस्टर आपको 504 और 505 पढ़ना है। 504 में आपको क्या पढ़ना है, 504 में जो है जो 504 में प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम, इसका जो सब्जेक्ट का नाम था इसका बुक का नाम है प्रारंभिक स्तर पर गणित का अधिगम। इसमें जो 3 क्रेडिट प्लस 1 लाना पड़ेगा, यानी कि 4 टोटल आपको इसमें लाना पड़ेगा। एक ईवीएस का भी पेपर आपका लिखा हुआ जो कि 505 में है, इसमें आपको प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का अधिगम है, इसमें 3 क्रेडिट होगा प्लस 1 होगा यानी कि प्रायोगी 1 होगा बराबर 4, यानी कि 4 इसमें भी लाना होगा। और छठा में यह भी लिखा होगा पीसीपी जो होगा हर एक सेमेस्टर में आपका होगा पीसीपी। पीसीपी क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। पीसीपी 15 दिनों की व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होगा, यानी कि 15 दिन तक जो भी व्यक्तिगत होगा मतलब आपके आसपास से उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मार्क नहीं आपको दिया जाए, लेकिन ई अटेंड करना आपको 15 दिन का जो है ई अटेंड करना आपको लिए अनिवार्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो शिक्षक अंकित मूल्यांकन, जिसको टीएमए कहते हैं, जिसको असाइनमेंट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कुल जो 15 असाइनमेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 15 असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा इसमें टोटल, यानी कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 अंक आपको मिलेगा। आपको पता है कि असाइनमेंट जो है प्रत्येक असाइनमेंट जो कुल 15 असाइनमेंट आपको सॉल्व करना पड़ता है इसमें, और जो प्रत्येक पाठ्यक्रम में आपको 30 अंक मिलेगा, यानी कि 30 अंक का आपको रहता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं विद्यालय आधारित कविताएं गतिविधियां यानी कि एसबीए, तो इसके लिए 4 क्रेडिट होगा और 100 अंक आपको दिया जाएगा। और यदि हम बात करते हैं 12 दिनों की कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ जिसको WB कहते हैं, WB यह 12 दिन का कार्यशाला होगा, मतलब 12 दिन में आपको कंप्लीट करना है। इसमें 4 क्रेडिट और 100 अंक आपको दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो पीसीपी में 75% उपस्थित अनिवार्य है, और पीसीपी मतलब इसमें पीसीपी यानी कि 15 दिन का 75% आप निकाल सकते हैं, उतना दिन आपको जो है आना मतलब अनिवार्य है, इसमें आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। और 100% उपस्थित कार्यशाला में अनिवार्य है, कार्यशाला में जो 100% उपस्थिति कार्यशाला में यहाँ पर जो अनिवार्य कहा जा रहा है, यह जो कार्यशाला इसमें 12 दिन में 12 दिन WB में पूरा 12 दिन आपको मतलब करना पड़ेगा
अटेंड करना पड़ेगा, इसके विषय में यहाँ पर आप तो यह जो है यह टॉपिक्स आपका क्लियर हो चुका होगा। 501, 502, 503, 504, 505 यह जो दोनों है सेकेंड सेमेस्टर में आपको जानना है, और यह जो अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो चल रहा है इसमें आपको जानना है। बात रहा कि पीसीपी टीएमए, टीएमए के बारे में भी आपको काफ़ी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया गया। यदि हम लोग बात करते हैं पीसीपी, एसबीए, एसबीए और डब्ल्यूबीए, यदि आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते कि पीसीपी और इसका बारे में हमें डिटेल दीजिए और एसबीए के बारे में डिटेल दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा, किस किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा वहाँ पर जाकर कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं पीसीपी के बारे में तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें जो पीसीपी के बारे में जानकारी दीजिए। किसी को चाहिए कि नहीं एसबीए के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें जो एसबीए के बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए, और किसी को चाहिए डब्ल्यूबीए के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमको डब्ल्यूबीए के बारे में जानना चाहते हैं। यदि आपको तीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट राइट कीजिए आपके पीसीपी और एसबीए और डब्ल्यूबीए तीनों के बारे में हमें आपका जानकारी दें। जिस चीज़ का ज़्यादा कमेंट आएगा उसी चीज़ के टॉपिक्स हम सबसे पहले जानकारी देंगे। यदि आप तीनों का टॉपिक्स करते हैं, तीनों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में तीनों आपको मिल जाए। यदि आप एक एक करके अगर आप मांगते हैं तो हम एक एक करके पूरा डिटेल बाय डिटेल वन बाय वन करके देंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको लिए बेटर होगा, बेटर साबित हुआ होगा फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम संरचना एवं कार्यक्रमों के विषय से। तो यदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बार फिर से कि यह जो पीसीपी है और एसबीए और डब्ल्यूबीए के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए इसी टाइप का कुछ जानकारी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।